यमुना क्षेत्र के सेक्टर 11 में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए किसानों की खेती की जमीन खरीदे या अधिग्रहण किए बगैर तार की बाड़ लगाकर की गई घेराबंदी को हटाने का निर्देश हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को दे दिया है। बता दें कि फिल्म सिटी योजना में फिल्म निर्माता बोनी कपूर आशीष भूटानी ग्रुप शामिल है। यह सैकड़ों एकड़ जमीन में फिल्म सिटी बनाने की योजना है, जिसको खूब जोरों शोरों से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन पोस्ट में, मैं हूं मीनू वर्मा। बता दें कि फिल्म सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यमुना प्राधिकरण को करारा झटका दे दिया है। यमुना क्षेत्र के सेक्टर 11 में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए जो किसानों की खेती की जमीन खरीदे या अधिग्रहण किए बगैर तार की बाड़ लगाकर घेराबंदी की गई थी, उसे हटाने का निर्देश हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को दे दिया है। किसानों के पक्ष में न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। रबुपुरा के रहने वाले किसान धर्मेंद्र कुमार और 8 अन्य की याचिका पर यह फैसला आया है। इस याचिका को निरस्तरित करने की मांग किसानों की तरफ से हाईकोर्ट में की गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्राधिकरण ने फिल्म सिटी के लिए जमीन खरीदने की किसानों से बातचीत शुरू की थी, लेकिन कीमत को लेकर सहमति नहीं बन सकी। किसानों ने जमीन का बैनामा नहीं किया और ना ही सरकार ने अधिग्रहण किया। बिना अधिग्रहण के ही यमुना प्राधिकरण ने खेतों की तार के बाड़ से घेराबंदी कर दी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि ना तो उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है और ना ही उन्हें कोई यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में जमीन का बैनामा किया है, लेकिन अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के लिए उनकी जमीन पर बाड़ लगा दिए हैं। इसी रिट याचिका में कहा गया कि जून 2024 में सेक्टर 21 में याचिकाकर्ता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की एक अति महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई, जिसके तहत प्राधिकरण ने एक प्रस्ताव किया कि 1000 एकड़ में इस फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने 25 अगस्त को सार्वजनिक नोटिस भी जारी कर दी थी। गांव के भूस्वामियों को सेक्टर 21 की उनकी जमीन बेचने के लिए आमंत्रित भी किया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इस नोटिस के खिलाफ अपनी आपत्ति दाखिल करते हुए जमीन बेचने से इनकार किया। हालांकि प्राधिकरण ने इन याचिकाकर्ताओं के गांव में एक साइन बोर्ड जरूर लगा दिया और बाड़ लगाना शुरू कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता की जमीन उनकी पहुँच से दूर हो गई और इसके खिलाफ उन्होंने यह रिट याचिका दायर कर दी। याचिकाकर्ता गौतम बुद्ध नगर जिले की जेवर तहसील के रबुपुर गांव में स्थित अपनी जमीन से बार हटवाने की अदालत से अनुरोध किया ताकि वे अपनी जमीन पर खेती कर सके। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।